नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 161 के तहत जो बयान दर्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा साक्षियों का, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है, जब कभी भी कोई एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अन्वेषण आरंभ होता है, इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो जाती है, तो आरंभ होने के पश्चात तो उसमें क्या होता है कि कुछ एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। एविडेंस को कलेक्ट करने के पश्चात जो उसमें कुछ साक्ष्य उपस्थित होते हैं, जो साक्षी होते हैं, जो गवाह देते हैं, उसकी परीक्षा पुलिस के द्वारा ली जाती है, स्टेटमेंट लिया जाता है। तो जो स्टेटमेंट पुलिस लेती है, जो स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा लिया जाता है, वह किसके तहत लिया जाता है, 161 के तहत जो है ना, पुलिस उसका बयान जो है वो दर्ज करती है अपने केस डायरी में, और केस डायरी में जब उसके बयान को दर्ज करती है उसी समय उसकी परीक्षा ली जाती है। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, नहीं देते हैं, उसको ऑन रिकॉर्ड उसको लिखा जाता है। तो उसे ही कहा जाता है कि 161 के तहत पुलिस ने साक्षियों का जो है वो बयान दर्ज किया है, वो न्यायालय में पेश भी किया जाता है, 161 का बयान। धन्यवाद।